सबसे पहले आप ये वाला वीडियो देखो। अगर आप इंस्टाग्राम को 1 घंटा दोगे तो आप 1,000 कमाओगे, 2 घंटा दोगे तो आप 2,000 कमाओगे, 4 घंटा दोगे तो आप 4,000 कमाओगे, एंड अगर आप 8 घंटा दोगे तो आप 8,000 कमाओगे एक दिन के अंदर में। मैं कितना कमा रहा हूँ आज, पहले मेरी लाइव इनकम देख लो। सो लाइव हो चुका है एंड मैंने आज काम किए 5 घंटे एंड मेरी आज की जो इनकम है वो है 5,640 रुपए यानी 5,000। सेम इनकम मैं आपकी भी करा दूंगा, कमेंट में लिख दो यस एंड इस रील को मेरे डीएम में शेयर कर दो एंड जो पर्सन मुझे फॉलो करेगा डिटेल में उसको ही शेयर करूंगा। इस वीडियो में ये बंदा बोल रहा है कि आप दिन में 1 घंटा काम करके 1,000 रुपीज कमा सकते हो, 2 घंटा काम करके 2,000 रुपीज कमा सकते हो और 8 घंटा अगर आप काम कर लेते हो तो आप 8,000 रुपीज कमा सकते हो पूरे दिन में। ये वीडियो अगर आपको देख के मजा नहीं आया तो आप इस वाली वीडियो को देखो। अगर तुम्हारे पास 40-50 लाख की जॉब का पैकेज है या तुम्हारे बाप दादा ने तुम्हें 1-2 करोड़ की रियासत दी है तो भाई इस रील को ऊपर स्क्रॉल कर देना। पर अगर ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम भी मेरी तरह फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग नहीं हो और लाइफ में सीरियसली कुछ करना चाहते हो तो बस इस रील को एंड तक देख लेना। Hi, I'm Afni. I'm 21 right now, but मुझे एज से जज करने की गलती मत करना। लास्ट 2 सालों में आई हैव मेड मोर देन 90 लाख रुपीज, ट्रेवल्ड दुबई एंड सिंगापुर, ऑल्सो गॉट रिकॉग्निशन फ्रॉम रितेश अग्रवाल। पर आज से 2 साल पहले सब कुछ ऐसा नहीं था। आफ्टर क्लियरिंग माई 12th बोर्ड्स में बहुत ज्यादा होपलेस थी कि अब कॉलेज के साथ साथ ऐसा क्या करूं जिससे मेरा करियर सेट हो जाए। 25 जगह हाथ पैर मारने के बाद मुझे फाइनली कुछ जेन्युइन मिला जिसने मेरी पूरी लाइफ चेंज कर दी एंड अब शायद आपकी भी कर दे। एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां से आप भी इजीली मंथ का 40-60K अर्न कर सकते हो एंड टेंशन मत लो, ये कोई MLM या चेन सिस्टम नहीं है। सो डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन के लिए फटाफट से कमेंट्स में यस टाइप कर दो और इस रील को मेरे DM में शेयर कर दो, मैं आपको पर्सनली गाइड करूँ। मैं एक इन्फ्लुएंसर है, काफी ज्यादा फॉलोअर्स है इसके इंस्टाग्राम पर और इसने पिछले 1 से 2 साल में ऑनलाइन बिजनेस करके वर्ल्ड ट्रिप कर लिए और 80-90 लाख रुपीज़ कमा लिए हैं सोशल मीडिया का यूज़ करके, ठीक है। और इस वीडियो में आपको ये एडवाइस कर रही है कि अगर आप भी इस तरह का बिजनेस करना चाहते हो तो मुझे DM कर सकते हो, मुझे कमेंट कर सकते हो एंड मैं आपको लिंक शेयर कर दूँगी। सो इस तरह का वीडियो आपने देखा होगा एंड लास्ट में अभी आप ये वाला वीडियो भी देख लो। अगर आपको ऑनलाइन बिजनेस हार्ड लगता है, कठिन लगता है तो ये बताइए क्या ये इजी है? कोई कमाए ओदा दिल ना दुखावे, मैं चो ना हर जन्म तू होवे मेरी मां, इस गल तो ना कर दमी मेनू कित ना, मेनू पता मैं भी तेनू बड़ा तंग करदा पर छड कोई ना चल पुत तेरा हां मेनू। इस वीडियो में ये लेडी बोल रही है कि ऑनलाइन बिजनेस करना जिसको मुश्किल लगता है तो ऑफलाइन काम करना कौन सा आसान है। सो इसने एक सॉलिड पॉइंट रख दिया है, ठीक है, आप लोगों के मन में, ताकि आप थोड़ा सा ट्रस्ट कर लो या फिर आपको थोड़ी सी इनकी बात सही लगे। तो इसने इस तरह का कुछ बता दिया है और ये भी आपको सेम चीज़ कही है कि आप ऑनलाइन बिजनेस कर लो और आपको इसमें डेली का 2 से 4,000 रुपीज़ कमा लोगे ऑनलाइन बिजनेस करके। अभी आपको इस लेडी ने ये सब बात बता दी है एंड जो कुछ लोग होंगे, जो मासूम लोग होंगे, वो थोड़ा सा इनकी बातों से अट्रैक्ट हो जाएंगे जो ही मैंने आपको वीडियो दिखाया एंड वो उनको महस करेंगे कि हम कैसे पैसे कमा सकते हैं, ठीक है, एंड यहीं पर आपका नुकसान होना चालू हो जाएगा। मैं अभी आपको इस वीडियो में कंप्लीट बताने वाला हूँ कि किस तरीके से स्कैम चल रहा है एंड मैं इसको स्कैम क्यों बोल रहा हूँ। देखो, बेसिकली स्कैम वगैरह तो नहीं है बट आपको स्कैम की तरह ही आपको प्रेजेंट किया जा रहा है और स्कैम कैसे है वो मैं आपको आगे बताऊंगा इस वीडियो में। बाकी ये सब चीज़ कैसे काम करता है और इन सब चीज़ों से आप कैसे दूर रह सकते हो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। देखो, कुछ यहाँ पे हमारे इंटरनेट या फिर जो हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर काफ़ी सारे जो लोग हैं इस तरह का काम कर रहे हैं आजकल, चाहे वो स्कूल स्टूडेंट हो गया या फिर कॉलेज स्टूडेंट हो गए, वो इस तरह का काम कर रहे हैं आजकल, ठीक है, नो डाउट, एंड वो उससे थोड़ा बहुत पैसा कमा भी लेते हैं, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है, ठीक है। बट प्रॉब्लम यहाँ पर आती है जब आप यहाँ पे किसी भी चीज़ को गलत तरीके से प्रेजेंट करते हो। तो ये फंडा क्या है पूरा वो मैं आपको पहले क्लियर कर देता हूँ। तो देखो, सबसे पहले यहाँ पे हमारे पास कुछ वेबसाइट्स है या फिर प्लेटफॉर्म है। फॉर एग्जांपल आप मैं एक आपको प्लेटफॉर्म दिखा देता हूँ, एपिक अचीवर एक प्लेटफॉर्म है ये, ठीक है, ये वेबसाइट भी है। सो इसी तरीके से काफ़ी सारे आपको यहाँ पे प्लेटफॉर्म देखने को मिलेंगे ऑनलाइन, जैसे कि कोई डैश गुरुकुल करके है, आपको पता होगा इसके बारे में, काफ़ी पॉपुलर है इन सब चीज़ों में ये, एंड दूसरा है डैश ट्रैक, तीसरा है लीड्स डॉट आगे है कुछ, मैं आपको पूरा नाम नहीं लूँगा, ठीक है। सो आपने कुछ इस तरह के मतलब देखे होंगे या फिर आप कुछ इस तरह के वेबसाइट या फिर प्लेटफॉर्म से जुड़े होंगे अभी, ठीक है। अगर नहीं जुड़े हो तो कॉन्ग्रेट्स यार आपको कि आप सही डायरेक्शन पे हो, ठीक है। सो इतने सारे प्लेटफॉर्म हैं, कुछ प्लेटफॉर्म्स होते हैं इसी तरीके से, मैंने आपको बता दिया प्लेटफॉर्म्स के नाम एंड अभी आप देख लो मैं एपिक अचीवर वाले प्लेटफॉर्म पर अभी, और यहाँ पर अभी आप देख सकते हो काफ़ी सारे यहाँ पे डिजिटल कोर्सेस अवेलेबल है, ठीक है, जैसे कि स्टॉक मार्केट का यहाँ पे मास्टरी कोर्स है एंड एफिलिएट मार्केटिंग का है, ठीक है, वेबसाइट डिज़ाइनिंग का है। तो जितने भी कोर्सेस हैं इस प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल हैं और इसी तरीके के काफ़ी सारे ऐसे आते हैं जिन पर ये सेम कोर्सेस अवेलेबल होंगे अलग अलग फॉर्म में या फिर अलग अलग प्राइस में। अभी आप यहाँ पर देख लो डिजिटल मार्केटिंग का भी इनके पास कोर्स है,
ये कुछ 4-5 कोर्सेज हैं, ठीक है। ये कोर्सेज को यहाँ पे आप क्या कर सकते हो कि यहाँ पे आप इसमें एनरोल करके यहाँ पे आप मतलब सीख सकते हो कि जो भी इस कोर्स में पढ़ाया जाता है आपको, इसको यहाँ पे आपको पढ़ाया जाएगा, वो यहाँ पे आप सीख सकते हो। सीखने के बाद आप कुछ भी करना चाहते हो, जैसे कि स्टॉक मार्केट आपको सीखना है तो आप स्टॉक मार्केट यहाँ पे सीख सकते हो, ठीक है। ये पूरा का पूरा कोर्स है, एडवांस कोर्स, ठीक है। और इसमें आप एनरोल करके इसके बारे में सीख सकते हो पूरा का पूरा, ठीक है। एंड इसी तरीके काफ़ी सारे कोर्सेज आते हैं इस प्लेटफॉर्म पर, तो वो आप यहाँ पे कर सकते हो। एनरोल करने के लिए या फिर इसमें सीखने के लिए आपको क्या करना है, एनरोल वाले बटन पे क्लिक करना है। एंड आप एक कोर्स लेना चाहते हो, दो कोर्स लेना चाहते हो, अपने अकॉर्डिंग डिसाइड कर सकते हो। इसका प्राइस देख सकते हो, 6400 रुपीस इसका टोटल प्राइस है। अपना नेम डालोगे, लास्ट नेम, व्हाट्सअप नंबर, ईमेल आईडी, अकाउंट पासवर्ड, रेफरल कोड और स्पॉन्सर नेम। जिसने भी आपको यहाँ पे इस वेबसाइट का लिंक भेजा है वो स्पॉन्सर नेम यहाँ पे आ जाएगा। अगर उसका कोई रेफरल कोड है तो यहाँ पर आ जाएगा, उसको ना प्लेस ऑर्डर कर दोगे तो आपका ये कोर्स बाय हो जाएगा। उसके बाद आप इस कोर्स से कुछ भी सीखना चाहते हो या फिर जो भी आप कोर्स ले रहे हो उस यहाँ पे आप सीख सकते हो, ठीक है। सो ये बात हो गई कोर्स की कि आपने कोर्स परचेज किया, आप कुछ सीखना चाहते हो किसी भी कोर्स से या फिर कोई भी कोर्स परचेज करना चाहते हो तो सिंपल सा आप इस वेबसाइट पर आके परचेज कर सकते हो अगर आपको सीखने का मन है तब, ठीक है। इतना सही है, अगर आप सीखना चाहते हो तो इससे सीख सकते हो। बट दोस्तों यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आती है वो मैं आपको बताता हूँ। अभी आपने देखा कि यहाँ पे काफ़ी सारे कोर्सेज अवेलेबल है जिसमें यहाँ पे आप एनरोल करके कुछ ना कुछ सीख सकते हो, जो कि अच्छी बात है, इसमें कोई भी गलत चीज़ नहीं है। कोई भी कोर्स बेचना या फिर सेलिंग करना एंड कोर्स परचेज करके आपको यहाँ पे जो चीज़ सिखाया जा रहा है वो सीखना कुछ भी गलत नहीं है इसमें। इनफैक्ट ये मतलब इन्वेस्टमेंट है अपने ऊपर। बट दोस्तों गलत बात जब आती है जब आप इस चीज़ों को एक गलत तरीके से प्रमोट करते हो। यहाँ पर देखो, अब कोर्स भी है यहाँ पर और यहाँ पर एक रेफर प्रोग्राम भी चलता है इन प्लेटफॉर्म पर। रेफर के थ्रू क्या होता है कि अगर आप इसी कोर्स को किसी दूसरे बंदे को रेफर करते हो, अगर वो आपके लिंक से इसी कोर्स में परचेज कर लेता है तो आपको यहाँ पे अप टू 70-80% तक का जो भी मतलब अमाउंट होता है वो आपको मिल जाता है। बाकी जो 20-30% अमाउंट होता है वो एप्लीकेशन वाले रख लेते हैं या फिर प्लेटफॉर्म वाले रख लेते हैं, ठीक है। मैं अभी आपको ये पूरा का पूरा डैशबोर्ड अपना ओपन करके दिखा देता हूँ एक बार। देख लो, मैंने भी इसके अंदर मतलब 150-200 रुपीस लगाए थे एंड कुछ पैसे भी कमाए थे मैंने, ठीक। ये देख लो, मेरा कुछ इस तरह का डैशबोर्ड आपको ओपन होकर दिखाई दे रहा है। टुडे अर्निंग 0 है, टोटल अर्निंग मैंने 150 रुपीस ही की है और मैंने इसमें सिर्फ 50 रुपये का इन्वेस्टमेंट किया था। कोई भी परचेस कोर्स वगैरह कुछ परचेज किया था तो मेरा अकाउंट इसमें बन गया था। उसके बाद मैं भी इस प्लेटफॉर्म पर किसी को भी ज्वाइनिंग करवा सकता हूँ अपने रेफर कोड को यूज़ करके, ठीक है। अगर वो मेरे रेफर कोड से कोई भी कोर्स या फिर कोई मतलब कोर्स वगैरह परचेज करता है इस प्लेटफॉर्म पर तो उसका जो मुझे 80-90% तक का जो भी अमाउंट है वो मुझे मिल जाएगा, ठीक है। कुछ इस तरह से वेबसाइट होती है यहाँ पर। और वेबसाइट पे दोस्तों मेनली फोकस होना चाहिए कि जो कोर्स मतलब इस वेबसाइट पर अवेलेबल है उस कोर्स को यहाँ पे कुछ सीखना या फिर उससे कुछ वैल्यू लेके कुछ अपना करना। बट लोग करते क्या है कि इन सब जो कोर्सेज हैं उसको दूसरे को रेफर कर देते हैं, एक्टिव वगैरह कुछ नहीं है। जैसे डिजिटल मार्केटिंग या कोई कोर्स है यहाँ पर तो उसको कुछ सीख लो या फिर उससे सीखने के बाद इंप्लीमेंट करो। बट लोग क्या करते हैं कि उस चीज़ को सीख नहीं रहे हैं, बस उसको यहाँ पर रेफर करने में लगे हुए हैं और ये बता रहे हैं कि मैंने आज इतने कमा लिए। और इन प्लेटफॉर्म की भी गलती है, यहाँ पे देख सकते हो टुडे अर्निंग मतलब इन्होंने रेफर प्रोग्राम को इतना मतलब डैशबोर्ड में ही दिखा दिया कि आपने जितने भी रेफर किए होंगे या फिर जितने भी आपने रेफर के पैसे कमाए होंगे सभी आपको यहाँ पे दिख जाएंगे, ठीक है। बेसिकली एफिलिएट मार्केटिंग इन्होंने नाम दिया है। अभी आप देखोगे तो यहाँ पे डैशबोर्ड आपको दिखाई देगा, मेन डैशबोर्ड ये हो गया। आपका प्रोफाइल यहाँ पे आता है तो इसको मैनेज कर सकते हो। एफिलिएट लिंक, आप अपना खुद का एफिलिएट लिंक यहाँ पे आप देख सकते हो। तो अभी आप देख लो, एफिलिएट लिंक आपको यहाँ पे आपका दिख रहा है, इसको कॉपी कर लोगे एंड किसी को भी शेयर करोगे। अगर आपको लिंक से कोई भी कोर्स परचेस करता है तो वो यहाँ पे आपको भी पैसा मिलता है, 70-80% जो भी पैसा मिलना होता है उस कोर्स का वो मिल जाता है, ठीक है। माइक कमीशन में जाओगे तो आपका जो भी कमीशन होगा वो दिख जाएगा। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो, मैंने किसी एक पर्सन को रेफर किया था, देविका कोई है एंड उसने 200 रुपीस का कोर्स परचेज़ किया और मुझे कमीशन कितना मिला, 150 रुपीस, ठीक है। जो कि मैंने आपको अपने अकाउंट में दिखाया, 150 रुपीस मेरे अकाउंट में आ भी गए थे और वो मेरी टोटल अर्निंग थी, ठीक है। यहाँ पे देख लो, टोटल अर्निंग 150 रुपीस, राइट। एंड यहाँ पे बाई कोर्सेज में जाओगे तो जो भी आपने कोर्स परचेज किया होगा या फिर एनरोल किया होगा अकाउंट बनाने के लिए तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा। यहाँ पे एक्सेस दिस कोर्स पे करोगे तो आपको ये कोर्स दिख जाएगा, यहाँ पे आप मतलब चालू कर सकते हो और उससे यहाँ पे वीडियो देख सकते हो तो आपका ये कोर्स सीख सकते हो, ठीक है, इस कोर्स से। और सिंपल सा कोर्स है, कोई ज़्यादा खास भी नहीं है। देख लो, यूट्यूब पर वीडियो डाल रखी है इन्होंने, अनलिस्टेड करके डाल दी होगी। एंड आप यहाँ पे देख लो, कुछ लेसन इन्होंने बना रखे हैं। ये 4-5 कुछ वीडियो है और इसी का प्राइस इन्होंने 200 रुपये से लिया था, ठीक है। इस तरह का कुछ कोर्स है। बाकी जितने भी कोर्सेस हैं वो सब इसी तरीके के हैं, मतलब ज़्यादा कुछ खास नहीं है उसमें। एंड टीम देख सकते हो, आपकी टीम बन जाती है। जैसे कि मेरा नाम आया, ठीक है, मेरे अकाउंट का, और एक है लड़की देविका जिसको मैंने रेफर किया अपने कोर्स से, उसने ज्वाइन किया तो मुझे यहाँ पे पैसे मिल गए, उसने कुछ कोर्स बाय किया था।
और दूसरा बंदा है बलवीर सिंह राणा, जिसने कुछ कोर्स बाय नहीं किया तो मुझे कुछ नहीं पैसा मिला, बाकी मेरे रेफरल के अंडर ये भी आता है, ठीक है। सो कुछ इस तरीके से है, एंड लेटर बोर्ड में देख सकते हो, क्योंकि जिन्होंने भी मतलब यहाँ से पैसे कमाए हैं या फिर जो मंथली कमा रहे हैं पैसा, यहाँ पे आप देख लो 25,000 रुपये इसने कमाए, 1,500 इसने कमाए, एंड इसी तरीके से आपको सामने ऑल टाइम लेटर बोर्ड भी देखने को मिलता है, ठीक है। सो यहाँ पर आपने देख लिया कि कुछ इस तरीके से है इनका डैशबोर्ड, ठीक है। सो अब मैं बताता हूँ यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है। देखो यहाँ पे कोर्स रख रखा है इन्होंने, ठीक है, अपने प्लेटफॉर्म पर कोर्स। यहाँ पे जो भी एनरोल करता है किसी रेफर के थ्रू, तो उसको यहाँ पे कुछ ना कुछ कमीशन मिल जाता है, और इन प्लेटफॉर्म वाले को भी कुछ ना कुछ कमीशन मिल जाता है। बट लोग क्या करते हैं आजकल, जो भी मतलब थोड़े से इनोसेंट लोग हैं, वो इन सब चीज़ों में आ जाते हैं। अभी आपको अगर पैसे कमाने हैं, तो पैसे कमाने के लिए आपको यहाँ पे कोई भी डायरेक्ट मेथड नहीं है कि यहाँ पे कुछ पैसे कमा लो बिना कुछ इन्वेस्टमेंट के। आपको कोर्स खरीदना पड़ेगा, कोर्स खरीदोगे किसी लिंक के थ्रू, उसके बाद आपका अकाउंट बनेगा। अकाउंट बनने के बाद आपको भी सेम चीज़ करनी है कि आपको इस तरह की वीडियो बनानी है सोशल मीडिया पर, फिर आपको लोगों को अपने डीएम में बुलाना है, ठीक है। डीएम में बुलाने के बाद उनको आपको सिंपल सा बताना है कि आपको भी इस तरीके से करना है, मतलब यहाँ पे जो प्रोडक्ट है उनको यहाँ पे रेफर करना है या फिर सेल करना है, तब आपको यहाँ पे अर्निंग होगी, ठीक है। अगर आपने दिन में एक भी कर दिया 10,000 का प्रोडक्ट या फिर 5,000 रुपये का जो कोर्स है एक दिन में बेच दिया, तो आपके भी दो से तीन हज़ार रुपये तक की अर्निंग हो जाएगी, ठीक है, इस मेथड के थ्रू। सो मेथड ये बहुत ही ज़्यादा गलत है मेरे हिसाब से। आपको मैंने सारा चीज़ प्रोसेस बता दिया किस तरीके से काम चल रहा है, एंड इस तरह काफ़ी सारे वेबसाइट्स हैं, ठीक है। मैं एक ही वेबसाइट का यहाँ पर डिफेम या फिर ऐसा कुछ नहीं कर रहा हूँ, एंड इसमें वेबसाइट में कुछ भी गलती नहीं होती है, ठीक है। बट वेबसाइट की भी थोड़ी बहुत गलती है, क्योंकि इन्होंने पूरा का पूरा जो इंटरफेस है वो रेफर एंड अर्न के लिए बना दिया है, ठीक है। सो थोड़ा बहुत गलती इनका भी है, बाकी कोई भी मेरा ऐसा मकसद नहीं है कि मैं इसको डिफेम कर रहा हूँ या फिर कुछ ऐसा, ठीक है। जो लोग इस चीज़ को गलत तरीके से प्रेजेंट करते हैं लोगों के सामने, एंड वो फिर उन जो ज्वाइनिंग भी करना चाहते हैं वो इन सब चीज़ों को सोचते नहीं है। जैसे मैंने आपको बताया कि अगर आपको 4 से 5,000 रुपये से डेली कमाने हैं, एंड मैं भी कमा रहा हूँ इस तरीके से, तो आप मुझे डीएम करो। आपने मुझे डीएम किया, फिर मैंने आपको बोला कि यहाँ पे इस पे साइन अप कर लो, एंड जिस भी कोर्स के साथ आप जाना चाहते हो उसमें सीधा परचेज़ कर लो। जैसे ही आपने परचेज़ किया, फिर मुझे कुछ ना कुछ पैसा मिल गया उसमें से कमीशन, ठीक है। अब 70 से 80% जो भी आपने कोर्स का प्राइस था आपके, वो मुझे मिल गया। मिलने के बाद मेरा तो काम हो गया, मैंने इतने तो पैसे कमा लिए। बट अगर आपको पैसे कमाने हैं, तो फिर आपको किसी ना किसी को बेचना पड़ेगा वो कोर्स थोड़ा बहुत पैसे कमाने के लिए। और बेचो कैसे? बेचने के लिए आपको इंस्टाग्राम पर कंटेंट बनाना पड़ेगा इस तरह का छपरी कंटेंट। और अगर आप कंटेंट नहीं बना सकते हो दूसरे का, फिर जो भी जिन्होंने भी दूसरे लोगों ने बनाया उसका आप उठा के अपने चैनल पर डालो या फिर अपने अकाउंट पर डालो, एंड उनसे जो भी व्यूज़ आते हैं या फिर जो भी लाइक कमेंट आते हैं या फिर जो भी डीएम्स में मैसेज आते हैं, उसके बाद फिर आप उनको बताओ कि इस तरह का काम है, आपको कोर्स बाय करना है, एंड कोर्स बाय करने के बाद आपको मैं बताता हूँ। सो कुछ इस तरह का ये धंधा है, जो कि बहुत ही बेकार है मेरे हिसाब से। इसमें होता कुछ नहीं है, बस आपको यहाँ पे रेफर स्कीम या फिर जो एक नेटवर्क होता है ये अपना बना लेते हैं, एंड जिनके पास भी 1,00,000 फॉलोवर्स है उनके तो काफ़ी मतलब मजे हैं एक तरीके से। 1,00,000 फॉलोवर्स है, अगर उनके 5,000 या फिर 2-3,000 भी लोग एक दिन में कन्वर्ट हो जाते हैं इन सब कोर्सेज को बाय करने के लिए, तो सोचो आप कितना वो पैसा कमा लेंगे। नो डाउट उन्होंने 90,00,000 या फिर 1 करोड़ भी कमा लिए होंगे इस प्लेटफॉर्म से, बट वो कमाए कैसे? क्योंकि उनके पास एक नेटवर्क है, ठीक है, और नेटवर्क का वो गलत यूज़ कर रहे हैं, लोगों को मतलब बेवकूफ़ बना रहे हैं वो। और जिसने भी एक बार इन्वेस्टमेंट कर दी, उसके बाद वो कमाए या फिर ना कमाए, उससे कोई भी मतलब नहीं है, ठीक है। और इंस्टाग्राम पर इस तरह के ये कंटेंट बनाते रहेंगे, नए नए लोग इनके पास आते रहेंगे, उनको ये बेवकूफ़ बनाते रहेंगे, कोर्स बेच के पैसे कमाते रहेंगे, एंड ये अमीर बनते जाएंगे। उसके बाद आपको कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि आपके पास इतने फॉलोअर्स ना है, और ना ही आपको यहाँ पे कुछ कंटेंट बनाना आता है, और ना ही आपको कुछ उस कोर्स से लेना देना है। उस कोर्स को आपने इसलिए ख़रीदा क्योंकि आपको पैसे कमाने थे, बट पैसे भी कैसे कमाओगे आप? क्योंकि इनको तो इनका तो काम है कंटेंट बना के आपको यहाँ पे अपने जाल में फंसाना एंड कोर्स को बेचना। बट आपने जब कोर्स ख़रीदा तो आपको कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि आपको पैसे कमाने के लिए एट दी एंड आपको भी यहाँ पे इस तरह के कंटेंट बनाने पड़ेंगे, या फिर आपके पास नेटवर्क होना चाहिए जो आपके रेफरल के थ्रू उनकी वेबसाइट से कोई ना कोई कोर्स या फिर कुछ ना कुछ बाय करे, तभी आपको कमीशन मिलेगा। टोटल पूरा का पूरा एक तरीके से स्कैम है। स्कैम इसलिए है क्योंकि यहाँ पे जो चीज़ आपको यहाँ पे शुरू शुरू में बताया गया था कि आप पैसे कमाओगे डेली 2 से 3 हज़ार रुपीज़, और ये बिज़नेस का जो नाम लेते हैं बिज़नेस बिल्कुल भी नहीं है। ये टोटली एक ट्रायंगल की तरह चलता हुआ आ रहा है। आप किसी को अपने नीचे जोड़ो एंड उनसे आप पैसे कमाओ, अगर आप कुछ वो परचेज़ करते हैं, ठीक है। सो कुछ भी बिज़नेस नहीं है इसमें। बिज़नेस वो होता है जो आप यहाँ पे कुछ पैसा इन्वेस्ट करो, कुछ लोगों को वैल्यू दो, बट यहाँ पे वैल्यू के नाम पे कुछ भी नहीं लोगों को मिल रहा है। वो सिर्फ एक गलत सपने दिखाए जा रहे हैं उनको, और कुछ नहीं।
बाकी इन प्लेटफॉर्म से मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, प्लेटफॉर्म अपना काम कर रहे हैं, लोग जब इस तरह की हरकत करेंगे तो प्लेटफॉर्म भी नए नए खुल के आएंगे, ठीक है। इस तरह के प्लेटफॉर्म डेली आएंगे, डेली वो कुछ ना कुछ नया निकालेंगे और नए नए प्लेटफॉर्म आएंगे तो फिर नए नए लोग यहाँ पे ज्वाइन करेंगे, फिर उस तरीके से प्रमोट करेंगे और पैसे ऐसे कमाते रहेंगे, फिर आप लोगों का कुछ नहीं हो पाएगा, ठीक है, आप लोगों का ही नुकसान होगा बीच में। ये इन्फ्लुएंसर पैसे कमा लेंगे, ठीक है, इनका कुछ भी नहीं जाता है। बट मेरा कहना यही है कि अगर आप इन सब चीज़ों में पैसा कमाते हो तो आपको कुछ भी नहीं मिलने वाला है, ठीक है। आपने एक दिन एक कोर्स को बेच दिया किसी भी बंदे को और आपने 2000 पीस कमा लिए, फिर अगले दिन आपको कुछ ना कुछ ऐसा करना पड़ेगा, तभी आपके पास मतलब लीड्स आएंगी या फिर जो भी मैसेज वगैरह हैं वो आएंगे, तभी आप यहाँ पैसे कमा पाओगे, ठीक है। सो इसी तरीके से पूरा गेम है। बाकी अगर आप कोर्स लेके उनसे कुछ सीखना चाहते हो, जैसे कि डिजिटल मार्केटिंग का ये कोर्स है, अगर आप इसे कुछ सीखना चाहते हो तो नो डाउट यहाँ पे आप सीख सकते हो। बट आप इस पर्पज़ से मत आओ कि यहाँ पे आपको पैसे कमाने के लिए आपको इस कोर्स को बाय करना है क्योंकि मैं रेफ़र कर सकता हूँ दूसरे बंदे को और उससे ही मुझे पैसे कमाने हैं, तो वो चीज़ गलत है। जो आपका माइंड सेट होना चाहिए वो होना चाहिए कि सिर्फ मैं इस कोर्स को बाय करूँगा और इससे मैं सीखूँगा, ठीक है। तो अगर आप इस सब चीज़ों के लिए आ रहे हो तो वो आपके लिए काफ़ी अच्छा है एंड इसमें कोई भी बुराई नहीं है। एंड इस तरह की जो वेबसाइट्स है वो गवर्नमेंट रजिस्टर्ड वेबसाइट्स होती हैं, कुछ भी इसमें गलत नहीं है। जो भी ये बताते हैं कि गवर्नमेंट अप्रूव्ड वेबसाइट है तो इसमें कोई भी डाउट नहीं है, अप्रूव्ड है। बट जिस तरीके से गलत तरीके से प्रेजेंट करते हो आप एफिलिएट मार्केटिंग के नाम पर लोगों को ज्वाइनिंग करवाते हो कोर्स में एंड उनसे अपना कमीशन ले लेते हो, उसके बाद उन्हें कुछ भी अर्निंग नहीं होती है, सो ये गलत है। सो मेरा कहने का मतलब आपको समझ में आ गया होगा। एंड इस तरह की वेबसाइट दोस्तों आप भी बना सकते हो, ज़्यादा मुश्किल नहीं होता है, ठीक है, बनाना काफ़ी आसान है। मतलब अगर आपके पास 10-15 हज़ार रुपये की इन्वेस्टमेंट है तो आप बड़ी आसानी से इस तरह की वेबसाइट बना सकते हो इनिशियल लेवल पर। और जैसे जिस तरीके से आपके पास पैसे आते जाते हैं, कोर्स है या फिर जो भी आपका वेबसाइट का परफॉर्मेंस है उसको बढ़ा सकते हो। आपको एक वेबसाइट खरीदनी है, वेबसाइट खरीदने के बाद उसमें कुछ कोर्सेज बाय कर सकते हो या फिर आप अपने हिसाब से बना सकते हो। किसी को यूट्यूब के बारे में नॉलेज है तो यूट्यूब का कोर्स बना लो आप एंड रेफरल स्कीम इसमें चला दो। सो इस तरीके से जितने भी लोग वहाँ पे आपके लिंक प्लेटफॉर्म पर आएंगे अगर वो भी इस तरह के कंटेंट बना के लोगों को ज्वाइनिंग करवाते हैं तो आपको यहाँ पे बैठे बैठे अर्निंग होगी। सो कुछ इस तरह का दिमाग लगाते हो तो आपके लिए यहाँ पे बेनिफिशियल है। बाकी अगर आप इन सब चीज़ों में पढ़ते हो तो अपना समय एंड टाइम वगैरह सब कुछ वेस्ट कर रहे हो। इससे अच्छा है कि आप कुछ स्किल्स वगैरह सीख लो उन कोर्सेज से एंड उससे पैसे कमाओ, रैदर देन कि यहाँ पे आप रेफरल स्कीम में फंस के अपना टाइम बर्बाद कर रहे हो। बाकी मैंने आपको बता दिया है। एंड अगर आप टेलीकॉलिंग की जॉब में इंटरेस्टेड हो तो उसको भी देख सकते हो, फुटवर्क की वीडियो आपको मेरे चैनल पर दिख जाएगी, फुटवर्क और स्क्वाड स्टैक। वहाँ पर आप मोबाइल से घर बैठे टेलीकॉलिंग की जॉब करके जेन्युइन तरीके से पैसे कमा सकते हो बिना किसी इन्वेस्टमेंट के, ठीक है। एंड यही था। और एंड मैं आपको एक बात और बताना चाहूँगा, जो भी लोग इसमें यहाँ पे कोर्स वगैरह बाय करके यहाँ पे अकाउंट बना लेते हैं उसमें से काफ़ी सारे लोग तो ऐसे होते हैं जो दोबारा पैसे कमा ही नहीं पाते हैं क्योंकि ना ही उनसे कंटेंट बनेगा और ना ही वो लीड्स लेकर आ पाएंगे या फिर ना ही उनसे कोई कोर्स ये बाय करेगा, ठीक है। तो ये सबके बस की बात नहीं है। और अगर आप इतना ही मेहनत कर सकते हो, कंटेंट बना सकते हो, तो यार आप यूट्यूब पे कंटेंट बनाओ, अपना खुद का कुछ वैल्यू दो लोगों को। उससे यहाँ पे अगर जो भी चैनल ग्रो होता है या फिर कुछ भी आपके पास फॉलोअर्स आते हैं तो वो एक जेन्युइन फॉलोअर्स होगा एंड उससे जो भी आपकी अर्निंग होगी, चाहे वो 10,000 हो या फिर 5,000 या फिर 2,000 रुपये हो मंथली, उससे आपको एक अच्छा सेटिस्फेक्शन मिलेगा कि कुछ आप अच्छा काम कर रहे हो। बट आप इस तरीके से इन प्लेटफॉर्म को अमीर बनाते जाओगे और सोशल मीडिया पर इस तरीके से यहाँ पे कंटेंट बनाओगे कि कोई कोर्स मेरा बाय कर ले, सो अल्टीमेटली इनका फ़ायदा हो रहा है। जो भी ये कोर्स जिन्होंने बनाया है, जिसका प्लेटफॉर्म है, वो तो बैठे बैठे कमा रहा है, बट आप क्या कर रहे हो कि उसको यहाँ पे और प्रमोट कर रहे हो। सो इसका अल्टरनेटिव यही है कि आप अपना खुद का प्लेटफॉर्म बना सकते हो। अगर आपको नहीं पता तो मैं गाइड कर दूंगा, ठीक है, ज़्यादा मुश्किल नहीं होता है ये। आप खुद का प्लेटफॉर्म बना लो, अगर खुद का प्लेटफॉर्म नहीं आपसे बनता है तो आप सोशल मीडिया पर जो इनके लिए कंटेंट डाल ले हो, ताकि कोई आपके रेफरल लिंक से कोई कोर्स बाय कर ले मेरा, तो इससे अच्छा है कि आप खुद का कोई कंटेंट बनाओ जो जिसमें लोगों की कुछ हेल्प हो एंड उससे जो भी आपको फॉलोवर्स या फिर जो भी लाइक्स वगैरह मिलेंगे एंड अगर आपका जो चैनल या फिर जो भी आपका अकाउंट है अगर वो ग्रो होता है तो आपको ही फ़ायदा होगा, ठीक है, एंड लोगों की ब्लेसिंग्स मिलेगी आपको इस तरीके से। बट इस तरीके से अगर आप करते हो, किसी भी लोगों को पैसे ले लेते हो या फिर उससे ज्वाइन करवा के उनकी गलत होप देते हो, तो वो गलत है एंड उससे आपको गाली पड़ेगी फिर बाद में, ठीक है। नो डाउट यहाँ पे पैसे कमा लोगे, बट अब गलत चीज़ों को प्रमोट करो, गलत तरीके से प्रेजेंट करो, वही एक चीज़ गलत है। बाकी मेरा जो मैंने कहना था मैंने कह दिया। अगर आपको कुछ भी डाउट या फिर कुछ भी कहना है तो मुझे कमेंट में बता सकते हो। अदरवाइज़ फिर मिलते हैं किसी और नए वीडियो में।